में से जो संस्कार मिलते हैं उनका 24 घंटा जीवन में अपने कृति में अभिव्यक्त वो हो रहे हैं, इसको देखो। संघ का संक्षेप चाहता है संपूर्ण समाज की गुणवत्ता ऐसी बने, और इसलिए संघ के स्वयंसेवक का पहला कार्य क्षेत्र कौन सा है, उसको दायित्व मिले न मिले संघ में, उसका पहला कार्य क्षेत्र है एक तो संघ की शाखा पर साधना तपस्या करनी है, दूसरा कार्य क्षेत्र सहज कार्य क्षेत्र जहां उसको नए मित्र नहीं बनाने पड़ते, पहले से ही आत्मीय संबंध है उसका, घर परिवार है। संघ का स्वयंसेवक अनुशासित बन गया, 24 घंटा अनुशासन में चलता है, उसके घर में भी अनुशासन दिखना चाहिए। संघ का स्वयंसेवक स्वदेशी समर्थक बन गया है, इसका मतलब स्वदेशी का वो स्वयं व्यवहार करता है, उसके घर में जाओ तो भी स्वदेशी दिखता है। संघ का स्वयंसेवक किसी भेद को नहीं मानता, सब और आता जाता है, सबको मिलता है, तो उसके घर में भी सब लोग आ जा सकते हैं, उसके घर परिवार वाले लोग भी कोई भेद नहीं कर, ये होना चाहिए। समाज को बदलने वाले अपने घर को नहीं बदल सके तो समाज को कैसे बदलेंगे भाई। हाँ ये बात है कि किसी घर में बहुत जल्दी हो जाएगा, किसी घर में देर लगेगी, सालों लगेगी। पूजनीय बाड़ा साहब बचपन में शाखा में आए, स्कूल में थे तब संक्षिप्त मित्र बने, तो एक बार घर पर सब लोग गए, कुछ चाय पोहा वगैरह बनाकर खिलाया उनको, वो चले गए। बाद में बाबा साहब को माता जी ने कहा कि देखो तो तुम्हारे दोस्त वगैरह आते हैं लेकिन कौन किस जात का है पता ही क्या तुमको, सब लोग अपने यहाँ आए, आज तो ठीक है इतने सारे लोग थे तो बाहर ही बैठे। तो बाबा साहब ने उस समय वो 8वीं क्लास में थे, उसने माता जी को बाबा साहब ने जवाब दिया कि देखो मैं संघ में जाता हूँ, संघ कहता है हिंदू समाज सारा एक है, तो रे मित्र तो मेरे सब जातियों के बनेंगे अपने आप, मैं उनकी जाति पूछने वाला नहीं हूँ, और वो घर में आएंगे तो मैं इस घर का लड़का, इस नाते मुझे जो व्यवहार मिलता है वो उनको मिलना चाहिए, ये नहीं होता हो तो आज से मैं भी अपने घर में अपना खाना अलग बाहर करूँगा और अपने बर्तन खुद धो के रखूँगा, संग तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसके विचार पर चलने वाला। एक दिन में परिवर्तन हो गया बाबा साहब, ऐसे भी घर होते हैं। और हमारे एक विभाग कार्य यहीं पर थे पहले, आजकल यहाँ नहीं है, तो ये विषय आया कि समरसता का आचरण भाषणों में बताने के पहले अपना होना चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि विभाग में मैं प्रवास करूँगा और स्वयंसेवकों के अगर भोजन करते ही हम, तो उस समय मैं ये देखूँगा कि समाज जिनको नीची वगैरह मानता है जाति को, हम तो नहीं मानते, तो हम ऐसे ही कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके भोजन करें। 4-6 महीने के बाद फिर प्रांत बैठक हुई, तो उसमें उन्होंने अनुभव बताया कि विचार तो स्वीकार ही है, मैं स्वयंसेवक हूँ, मेरे बुद्धि ने भी मान लिया है, मेरे मन में भी है, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। और पहली बार जब मैं गया तो ऐसे ही स्वयंसेवक के घर में गया, भोजन करने के लिए बैठा, पूर्ण अनुकूलता है, परंतु पहले कौर गले के नीचे उतरने में बहुत परिश्रम करना पड़ा मुझे। तब मेरे ध्यान में आया कि हजारों वर्षों की एक खराब आदत जो लगी है अपने को अनजाने में, उसको निकालने में कितना अपने को परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे भी घर होते, उनकी माता जी ने आखिर तक नहीं माना, लेकिन मरने के एक साल पहले उन्होंने वो जात पात वाली बात छोड़ दी, उनको 30 साल लगे अपने माता को तैयार करने के। ऐसे भी घर होते, फल आज मिलेगा, फल 2 साल बाद मिलेगा, 30 साल बाद मिलेगा, लेकिन अपने घर में संघ का संस्कार होना चाहिए। लोग केवल हमको नहीं देखेंगे, लोग हमारे परिवार को भी देखेंगे, जो हमको बता रहे हो अपने घर में करो ना, ऐसा कहेंगे। और ऐसे ही देखेंगे कि ठीक है घर में और इनमें है, लेकिन समाज में जब खड़े होते हैं किस तरफ खड़े हो। सामाजिक समरसता की ही बात है तो सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले, वंचित वर्ग को बराबरी में लाने वाले कदमों का समर्थन करते हैं कि नहीं करते।
सहज भाषा में बोलचाल में और इतने वर्षों की आदत में जो जातिवाचक उल्लेख घुस गए इनकी भाषा से इन्होंने निकाल दिए कि नहीं? सामाजिक आचरण देखेंगे लोग, संघ के भाषणों से थोड़ी संघ समझ में आया। आज जो संघ के प्रति विश्वास है वो क्या हमारे भाषणों के कारण है? उसके कारण नहीं है। आप सब लोगों को समाज देखता आया है इतने दशकों से, आपके करने के कारण उनको लगता है कि इनकी कथनी करनी समाज है, वो है ही। ये अलग से करना है आपको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको अब कदम कदम पर सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आज लोग देख भी रहे हैं। पहले ऐसे ही अनजाने में गलती हो जाती, कोई देखने वाला नहीं था, चल जाता था। आज गलती होगी तो समाज उंगली तो दिखाएगा, लेकिन समाज के मन में जो विषमता भरी है वो निकलेगी नहीं, वो और गहरी हो जाएगी। हमारी गलती केवल हमारा नुकसान नहीं करेगी, समाज का नुकसान करेगी। इसलिए हमको कदम कदम पर सावधान रहकर चलना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें। एक जगह मैं ऐसा ही विषय रखने के लिए गया था, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसी दिन वर्ष प्रतिपदा डॉक्टर जी का भी जन्मदिन था, तो अपने उत्सव के अतिरिक्त अन्यत्र कार्यक्रम भी थे, दो डॉक्टर ऐसा विषय लेके एक में मैं गया था। तो उन दोनों के करने में विचार में जो समानता है क्या है कैसा है वगैरह था, अपनी भूमिका रखी। बाद में दो चार कार्यकर्ता आए कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपके मन में नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बोले आप डॉक्टर हेडगेवार का नाम लेते समय पूजनीय कहते हो, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते समय पूजनीय नहीं कहते। अभी कोई मन की बात थोड़ी है, तो आदत पड़ी इतने दिनों से डॉक्टर पूजनीय डॉक्टर जी कहने की, इसलिए पड़ती है। लेकिन गलती तो है, और उनके मन में जो दूरी थी वो थोड़ी और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा इसीलिए हमको कई प्रश्न पूछने हैं, जवाब दीजिए। मैंने कहा भैया इतना भाषण करके थक गया हूँ, मैं पास वाले कार्यकर्ता के घर जाना है, वहाँ चाय पीऊँगा, आप भी चलो चाय पियो और जितना पूछना है पूछ लो। लेके गया मैं वहाँ, सब चाय वगैरह आ गई, चाय पीना हो गया। उसके बाद मैंने कहा बताइए क्या पूछना है। उन्होंने कहा नहीं पूछना है कुछ। उन्होंने कहा क्यों, मैं तैयार हूँ ना। नहीं नहीं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हमारा प्रश्न एक ही था, प्रामाणिक है कि नहीं। हम यहाँ आ गए, हमने देखा दीवार पर डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी, गांधी जी, सावरकर, सुभाष बाबू, तिलक जी, उसी लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी हैं, महात्मा फुले भी हैं। अब उस घर में कार्यकर्ता ने सोचकर थोड़ी किया था कि कोई आएगा और देखेगा, ऐसा उसने अपने साथ स्वभाव के अनुसार आ गया भी। फिर उन्होंने कहा कि हमने देखा ये एक के पीछे एक कमरा है और दरवाजा भी एक लाइन में है, खुले सब दरवाजे दिखता है, तो हमारी चाय और आपकी चाय एक ही बर्तन में बनी है, और घर की मालकिन ने उसको ट्रे में कब्बसी में डालकर वो सबके लिए लेके आई, सबको उसी ने दिया और सबके उठा कर ले गई और सबके धोई वहां पे। तो इसका मतलब आपके व्यवहार में है जो आप बोल रहे हैं, तो हमको पूछना नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो जो पूजनीय वाली गलती थी उसको सुधारिए आप, लेकिन इंप्रेशन गलत जाता है, ऐसा मानता। इसी छोटी छोटी बातें हैं, सामाजिक आचरण में बहुत सावधान रह के हमको चलना पड़ेगा, और यही प्रामाणिकता, यही निस्वार्थ बुद्धि, यही संपूर्ण समाज के प्रति आत्मीयता और यही अनुशासन हमको अपने आजीविका के जीवन में, कमाई के काम में भी दिखाना पड़ेगा। दिखाते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। संघ का यही काम है, हम लोगों को संघ में क्या काम करना है, विभिन्न प्रकार के दायित्वों को निभाते समय स्वयं ऐसा बने और सब स्वयंसेवकों को ऐसा बनावे, और फिर बस्ती बस्ती में जाकर सब स्वयंसेवकों को खोजकर उनको इस साधना में लगावे और ऐसे स्वयंसेवक नए मित्र बनाए और समाज सारा इस प्रकार का हम बनावे। बाकी सब जो होना है उस समाज के बलबूते, समाज ऐसा बन जाएगा तब अपने आप होगा। समाज जब तक ऐसा बनता नहीं, लाख प्रयास करो पूरा नहीं होगा,
ये अनुभव है, ये केवल तर्क नहीं, ये इतिहास है, तर्क तो है ही, ये अनुभव भी। ऐसे इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध काम को लेकर उसको करने के लिए हम संघ में आते हैं और दुनिया के प्रवाह में चलते हैं, तो दुनिया के प्रवाह में हमारा विचार भी भटक न जाए, इसलिए बार बार हमको इकट्ठा के अपना विचार फिर से सुनना पड़ता है। विचार वही है, बोलने वाला वक्ता अलग है, उसकी शैली अलग होती है, उदाहरण अलग अलग होते हैं। इतना समय हो गया तो बहुत सारे उदाहरण भी जमा हो गए, अलग अलग लोगों से अलग अलग सुनने को मिलते हैं, इतना ही फर्क है। विषय वही है, जो बात डॉक्टर हिंदेवार ने कही उसको लेकर हम चल रहे हैं, उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने के बाद और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ होना है वो उसी से होगा, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इसको समझकर हम सब लोगों को संघ की नित्य शाखा में लगना और स्वयंसेवक का काम करना। स्वयंसेवक का काम क्या है? चार है। पहला तो मैंने बताया, रोज शाखा में आकर साधना भाव से, कार्यक्रम शाखा प्रोग्राम नहीं है, शाखा तपस्या है, शाखा साधना है, उसमें अपने दोषों का निरसन, अपने गुणों की वृद्धि मन लगाकर कार्यक्रमों को करते हुए मिलकर हमको करनी है, अकेले की नहीं। सूर्य नमस्कार हम अकेले भी करें 25 अपने घर में तो भी फल मिलेगा, व्यक्तिगत फल मिलेगा। शाखा पर 25 स्वयंसेवकों के साथ 25 करेंगे तो उसका अलग फल है, उसके लिए हमारा काम है। शाखा पर आकर मिलकर साधना करें, ये पहला काम है, रोज मन लगाकर। दूसरा काम है कि ये जो संस्कार हम ले रहे हैं उसको ग्रहण करते हुए अपने व्यक्तिगत आचरण में, अपने कौटुंबिक आचरण में, अपने सामाजिक आचरण में और अपने आजीविका के कार्य में उनके अनुसार अपनी कृति रखना, सजगता पूर्वक उसको अधिकाधिक अच्छी शुद्ध बनाते जाना। तीसरा काम है, इस काम को चलाने बढ़ाने के लिए व्यवस्था है, उसमें दायित्व है। संघ के स्वयंसेवक अब अनेक कार्य समाज में जाकर कर रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने किया, गतिविधि, विविध संगठन, सेवा कार्य, अनेक संस्थाएं चलाते हैं, उन सबको सहायता की, अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। संघ का काम करने के लिए भी व्यवस्था बनानी आवश्यक होती है। संघ जो दायित्व देगा वो दायित्व लेना, एक घंटा शाखा का और समय लगाकर उन दायित्वों को प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक पूरा करना, दायित्व के बिना नहीं। दायित्व यानी पोस्ट नहीं है, हमको तो कोई दायित्व दिया ही नहीं, दिया नहीं इसका मतलब हमको और योग्य बनना है, योग्य नियमित बनो दायित्व मिल जाए। और चौथा काम है कि साल में कम से कम एक नया व्यक्ति अपना मित्र बनाना, मित्र से स्वयंसेवक बनाना, स्वयंसेवक से वो कार्यकर्ता बने, ऐसे व्यवस्था में उसको ले जाना। ये चार संघ के जो काम है वो संघ के सब स्वयंसेवकों को करने हैं। उनका दायित्व कहां पर, ये सवाल नहीं, वो संघ के अंदर दायित्व है कि संघ के बाहर दायित्व है, इसका सवाल नहीं, वो स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक है इसका मतलब शाखा की साधना को नियमित रखेगा, संघ के संस्कारों की जीवन में अभिव्यक्ति होगी, दिया हुआ दायित्व प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक निभाएगा और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से स्वयंसेवक और स्वयंसेवक से कार्यकर्ता बनाने का काम संघ में चलेगा। ये चार काम हमारे लिए अनिवार्य है और इन चार कामों को करने वाला स्वयंसेवक है, इन चार कामों का मिलकर संघ कार्य होता है। बाकी जो चलता है वो स्वतंत्र अलग स्वायत्त स्वयंसेवकों का किया हुआ है, वो अच्छा चले, स्वयंसेवक अच्छे बने रहे वहां तो अच्छा चलेगा सर, उसका दायित्व केवल अपना है अपने स्वयंसेवकों को संपर्क में रखना, अपने स्वयंसेवकों को स्वस्थ रखना, बाकी वो स्वतंत्र अलग स्वायत्त और स्वावलंबी धीरे धीरे होने वाले कार्य है। संघ क्या है? संघ ही है। संघ के इस स्वरूप को समझना,
और समाज में सर्वत्र इन संस्कारों का वातावरण बने, इतना अपने कार्य का विस्तार दृढ़ीकरण करना और स्वयंसेवकों की निर्मित संख्या के आधार पर समाज के सब अच्छे कार्य आगे बढ़े, सज्जनों को आश्वस्ति हो, दुष्टों को धाक हो, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करके देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला समाज उस वातावरण में खड़ा हो रहा है, इसको देखना। ये काम करने के लिए संघ है। हम संघ के स्वयंसेवक इन सब बातों को स्पष्ट समझकर ठीक चलते हैं तो समाज भी उसके साथ चलने लगेगा और अपने देश का सुनिश्चित भविष्य, क्योंकि वो समय की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व को सुख शांति की नई राह दिखाने वाला हिंदुस्तान खड़ा होगा, परम वैभव संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त बनकर संपूर्ण दुनिया का संतुलन वापस लाने वाला धर्म उनको सिखाएगा। हम आज से शुरू करते हैं तो अपने इस सपने को साकार होता हुआ हम इसी जीवन में इन्हीं आंखों से देख सकते हैं। इतनी अनुकूलता आज हमारे कार्य के लिए है, हमारे इन प्रयासों की, स्पष्ट दृष्टि रखते हुए किए गए प्रयासों की बहुत आवश्यकता है। इसका चिंतन आप लोग कीजिए, इतनी प्रार्थना मैं आपके सामने रखता हूं और मेरा निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्ते नमस्ते सकायो, नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता, इमे सादरंतान नमामो वयम्, इमे सादरंतान नमामो वयम्, बद्धा कटियम शुभामासि संदेहि तत्पुरते, अजयाच विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, श्रुतञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कारयेत्, शमुत्कर्षणि श्रेयसस्यैकमुग्रम्, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तप्रजागर्तुति प्राणिशम्, विजेत्री चरह संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परो वै भवन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिशाते भृशम्, भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम, एक दो तीन।
शंभो वी